क्या नाम है आपका? आयशा। कहाँ के रहने वाली हो? बला तिरा भीटी अम्बेडकर नगर। क्या मामला है आपका? मामला बहुत गंभीर है। जैसे कि हमारे द्वारा मुन्ना खान और मोहम्मद रफीक के ऊपर पूर्व में मुकदमा लिखाया गया था, जिसमें विपक्षी जेल गया। जब से जेल से छूट के आया है, उसने हमारे खिलाफ फर्जी अप्लीकेशन अन्य थानों पर देता रहता है और सुलह समझौता के लिए दबाव बनाता है। और जब सुलह उसकी बात ना मानी तो उसने मुझे जानलेवा हमला भी कई बार करवाया और मेरा पीछा करता रहता है। इसी बीच उसने अपने संगठन की परमिला नाम की एक महिला है अनुसूचित जाति, उसके द्वारा मेरे पति और मेरे भाई और मेरे ऊपर उसने 376D मुकदमा लिखवा दिया, जिसमें मेरे पति अभी भी जेल में है। मेरे भाई को नहीं उठाया गया और एक और है गांव का, उसको भी जेल में भेज दिए, मुझे भी भेज दिए। जब से मैं छूट कर आई हूँ, मैं अपने पति को छुड़वाने के लिए इधर उधर भाग दौड़ में दौड़ रही हूँ। उसने मेरा पीछा करता है, मुन्ना खान मेरा पीछा करता है, मेरे ऊपर तेजाब डालने की कोशिश करता है और कई बार उसने नाकाम रहा और वो मुझे जान से मारना चाहता है। और मेरा कहना यह है कि मैं उसके हाथ से मरने से अच्छा है कि मैं खुदकुशी कर लूँ, खुद मर जाऊँ, आत्महत्या कर लूँ, अपने 3 छोटे बच्चों के साथ मैं मर जाऊँगी। इसकी जिम्मेदार पूरा अम्बेडकर नगर की पुलिस होगी और हमारे प्रकरण की जांच भी नहीं हुई सही से। पुलिस आपका सहयोग नहीं कर रही? नहीं कर रही है। COCT द्वारा मुझे जेल भेज दिया गया और मेरे उसमें कोई जांच भी नहीं किया सही तरीके से और कुछ भी नहीं है, सब फर्जी है। फिर भी जांच नहीं कर रही, पुलिस कुछ नहीं कर रही। मैं इधर उधर चक्कर काट रही हूँ, मुझे डांट के भगा दिया जाता है, पुलिस इसमें कुछ नहीं कर रही। बल्कि उसी के लगी हुई है, उसी की मदद में। मेरा मदद कहीं से नहीं हो रहा है और मैं आत्महत्या कर लूँगी, मुझे अब यही एक ही रास्ता दिख रहा है।